homes. हमारी तपस्या बहुत सुंदर चल रही है संसार को प्रकाश देने की। ध्यान दें, सुनना और देखना यही आधार है। चाहे कोई कंप्लेंट करे, चाहे कोई कंप्लीट बने, बहुत गुह्य महावाक्य है बाबा के। हम जो कुछ देखते हैं और सुनते हैं उस पर हमारा चिंतन होता रहता है। व्यर्थ सुनने से व्यर्थ चिंतन, ईश्वरीय महावाक्य सुनने से महान चिंतन। हम यदि देखते हैं इस संसार को, ये तो मृत प्राय है, ये तो समाप्त हुआ की हुआ। यदि हम देखते हैं आत्माओं को, यदि हम सब कुछ सुनते हुए उसे टर्न करते रहते हैं निगेटिव को पॉजिटिव में, तो हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह सकते हैं। परंतु यदि कोई हमें कुछ सुनाने आए और हम उसको सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, उस अनुसार अपनी धारणाएं बना लेते हैं, तो इससे हमारा चिंतन व्यर्थ बहुत जाएगा और दूसरी आत्माओं के लिए अवगुणी दृष्टि हो जाएगी और उससे हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए यदि कोई व्यर्थ सुनाता है तो उसको समर्थ में बदल दें। बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मनुष्य को महान भी बना सकते हैं, ये बोल वरदानी बोल भी हो सकते हैं और ये बोल किसी की शांति भी छीन सकते हैं। अपने चित्त से क्रोध को समाप्त करके योगयुक्त होकर अंतर चित्त को शीतल करें। हमारे मन में किसी के लिए जरा भी क्रोध भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम अंदर अंदर गर्म होते रहेंगे, हमारी शीतलता शांति की शक्ति जलकर नष्ट होती रहेगी। ये क्रोध हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, हमारी निर्णय शक्ति से गड़बड़ा जाती है। इसलिए चित्त को शीतल शांत करते रहें। हमें इस जीवन में कितना बड़ा भाग्य मिला, स्वयं भगवान बाप बनकर अपना प्यार हम पर लुटा रहा है, प्यार से हमारी पालना कर रहा है। उसके प्यार को हम तब देख लेते हैं जब वो अव्यक्त रूप से इस धरा पर उपस्थित होते हैं। कितना प्यार देते हैं वो हम सबको, हम सभी के लिए उनके दिल में कितना अथाह प्यार है। जो वो कहते हैं, जब बच्चे दुखी होते हैं तो मुझे भी जैसे बेआरामी हो जाती है, भगवान को भी फील होता है मेरे बच्चे दुखी ना हो, ये श्रेष्ठ पथ पर सदा ही अग्रसर रहे और अपने भाग्य को महान बनाते चले। जिन्हें संसार को दुखों से मुक्त करना है, वो स्वयं ही यदि दुखी रहेंगे तो दूसरों का भला कैसे कर पाएंगे। तो बाबा के इस प्यार को हम महसूस करें और उसकी याद में मग्न हों। जितना जितना हम उसे ज्यादा याद करते हैं, उसकी करंट हमें मिलती जाती है और ये करंट हमारे जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट कर देती है, विकारों को नष्ट कर देती है। तो हम अपने शब्दों पर भी बहुत ध्यान दें, हम कम बोलने की आदत डालें, क्योंकि जो मनुष्य अंतर्मुखी नहीं है, जो धैर्य चित्त और गंभीर नहीं है, उसे योग का सुख नहीं मिल सकता। बाह्य मुक्ता तो बाहर की ओर हमारा आकर्षण कर देती है, क्योंकि ये देह पांच तत्वों से बना हुआ है, तो ये पांच तत्वों की दुनिया उसे खींचने लगती है। परंतु हमें तो अपने घर जाना है, ये सब कुछ यहीं छोड़कर हमारी तो 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है। तो आज सारा दिन ये दो अभ्यास करते रहेंगे, हमारी 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है। ऊपर से अब बाबा की करंट मुझे मिल रही है, फील करेंगे इस करंट को।
और सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा वापिस जा रही हूँ अपने घर, और वहाँ बैठ गई पुनः बाबा के पास उसकी किरणों के नीचे। ये दोनों अभ्यास आज सारा दिन करके अपनी तपस्या को ओ